Question number 53. A slide projector has to project 35 millimeter slides. जो slides है उस एक साइड तो उसकी 33.5 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है. स्क्रीन की जो लेंथ और विड्थ है, लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर, और ये भी 200 सेंटीमीटर. अब मैग्नीफाई करना है इसको. मैग्नीफाई करें, लेंथ वाइज मैग्नीफाइज करें तो 200 को यदि 3.5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 7/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 57 टाइम्स गुना करना पड़ेगा, तब ये क्या हुआ, पूरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक कवर हो जाएगी. और यदि हम इस लेंथ वाइज करके देखें, विड्थ वाइज करके देखें, 200/2.5 करें तो ये आता है 91 गुना करना पड़ेगा. तो जो मिनिमम है वो लेंगे, क्योंकि अदरवाइज 91 टाइम करोगे तो ये इधर चली जाएगी, स्क्रीन के ऊपर आएगी नहीं. स्क्रीन के ऊपर आए, ये इधर स्पेस बच जाएगा कुछ खाली. हम 57 टाइम्स कर रहे हैं, ये 91 है, लगभग आधा स्पेस ऊपर खाली बच जाएगा, मतलब स्क्रीन जो इमेज है वो इतनी में आएगी, ऊपर वाला स्क्रीन जो खाली बच जाएगा. पर फालतू नहीं जाना चाहिए, खाली बचाए वो ठीक है. तो जो इसकी मैग्नीफिकेशन है वो कितनी होगी, 57 होगी. मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था, वी अपॉन यू के बराबर होता है. V की वैल्यू जो है 57 है, ये 57 है, 57.1. इमेज कैसी होगी, रियल होगी, स्क्रीन के ऊपर ले रहे हैं, स्क्रीन है तो इमेज क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. तो इसलिए इसको पहले उल्टा करके लगाएंगे, इसको उल्टा करके लगाएंगे तो ताकि सीधी इमेज वहाँ पे आए. तो V की वैल्यू जो है 10 मीटर की डिस्टेंस पे, स्क्रीन जो है 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, V जो है 10 मीटर दिया हुआ, U निकालना तो किसके बराबर हो जाएगा, 57 ले लेते हैं इसको, माइनस इसके बराबर होगा. तो लेंस फार्मूला लगाएं, 1/V माइनस 1/U इजिकल टू 1/F. 1/V तो 10 है, माइनस 1/U 10/57, 57 ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. 1/F की वैल्यू किसके बराबर होगी, 58/10 इसके बराबर होगी, 29/10 के बराबर होगी. F की वैल्यू निकालनी है तो 10/29 ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 29. तो बहुत देख लेते हैं, 58 था, सॉरी 29 के बाद 29 बाई 5 कर, ये 5 होगा, 500 जो जाएगा. अब इसको भाग देते हैं, 529, 29 से कम 29, बच गए 21, 2 से 10, 6, 7, 7 नहीं 7 पे जा रहा है, 7 नहीं 63, 7 दूनी 14 और 6 20, ये बचा 7. और यदि आगे भी लेके जाना हो तो ये 17.59, 1976 लगभग 17.4 या 17.3 लगा लो. ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 17.3 सेंटीमीटर के बराबर होगी लगभग. यदि आप 57.1 लेते, चलो 57 का 58 ले लिया गया, नहीं 58 ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आता, 58.1 आता, तो यहाँ पे नीचे थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती तो ये कम हो जाता. 17.2 दिया हुआ बुक में आंसर, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, 17.3 सेंटीमीटर होगी. हमने एफ जो है पॉजिटिव आ रहा, तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा. जो लेंस है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की.